गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक इनटू माय अनदर व्लॉग। सुबह के 7:30 बजे हुए हैं, आई मीन बजने को आया है, 7:15 हुए हैं और यहाँ पे बन रही है मसाला वाली भाकरी और यहाँ पे बन रही है चाय जो कि बन चुकी है ऑलरेडी। मसाला वाली भाकरी में मैंने डाला है ये जो मेरे घर में ये अजमा उगा हुआ है ना, तो वो 3-4 पत्ते डाल देती हूँ, स्पिनिच डाल देती हूँ, थोड़ा सा धनिया, बस हल्दी मिर्च नमक वो सब कुछ। तो चलिए भी एक के बाद एक उठना स्टार्ट हो गया है, ऊपर से आवाज आना स्टार्ट हो गया है क्योंकि आज है स्कूल, मंडे का दिन है, तो बच्चों को भी भाकरी खिला के ही भेजूंगी और गिरीश भी अच्छे से ब्रेकफास्ट करके ही जाएंगे आज। तो चाह गए हैं नहा धोके? गुड मॉर्निंग केम छो आओ थेपला चा खावा सवा सवार मा थेपला नहीं मसाला भाकरी छे मसाला भाकरी थेपला है मसाला भाकरी छे ओके थेपला जैसा लग रहा है। तो अभी 8:30 बजे है, बच्चों को लेके बाहर निकली हूँ मैं क्योंकि स्कूल जा रहे हैं, पर अभी तो टेम्परेचर कितना है 10-12 बिटवीन है, तो बहुत ठंडी लग रही है अभी से, क्या होगा पूरे विंटर में। हाँ बारिश थोड़ी थोड़ी भी आ रही है, इतनी ज्यादा नहीं। और ये भाई देखो, ओए वेयर इज योर शूज, तो सुबह के 10 बज गए हैं, सब कुछ काम करके रेडी हो गई हूँ। और अभी जो इंडिया से ना किसी ने मेडिसिन मंगवाई थी जयदीप के साथ, तो गिरीश हर बार ले जाना भूल रहे थे, शॉप पे किसी पता नहीं एड्रेस कैसे मिल गया, पर एनीवे शॉप पे वो 3-4 बार आ गए थे मेडिसिन लेने के लिए, तो हर बार गिरीश भूल जाते थे। तो अभी फोन आया कि प्लीज तू मेडिसिन दे के जा, तो मैंने कथा को फोन किया है कि प्लीज तू आ जा मेरे साथ, क्योंकि वो भी प्रेग्नेंट है तो फ्री ही है, घर पे ही होती है वैसे ज्यादातर, तो बोल रहे कि ओके मैं आती हूँ। तो कथा आती है फिर जाते हैं शॉप पे, वैसे भी बहुत सारे लोगों को शॉप भी देखना है तो वो भी मैं दिखा दूंगी आज। तो चलिए आज तो शॉप का टूर भी हो जाएगा उसी बहाने, और गिरीश से भी मिल लेंगे और ये जो दवाई है वो भी देगी। चलो अभी आते हैं कथा और फिर उसके बाद निकलते हैं। और आज जो है विंड इतनी ज्यादा है कि मैं क्या ही बताऊं, और उसके साथ ठंडी भी इतनी ही ज्यादा है। तो फटाफट से कथा आए तो निकले, क्योंकि मैंने हेयर वॉश अभी किया है। मैं प्रीफर करती हूँ कि ड्रायर से ना करूँ ड्राई हेयर, नेचुरल हेयर से ही ड्राई होने दूँ, तो इसलिए अभी मुझे ठंडी लग रही है। आई होप कि वो जल्दी आ जाए। चलो गाड़ी में चलो, उसका भी फोन आ गया, अभी आती होगी, तो अभी आए फिर निकले फटाफट से। चलो चल धन्नो शुरू हो जा, चल धन्नो ओके। तो ये है हमारी शॉप। हाँ हूँ क्या गिरीश, मोटी मोटी बोतल बता। ओके तो यहाँ पे रखते हैं गिरीश सारी कोल्ड ड्रिंक्स, यहाँ से लेते हैं सब लोग, वहाँ से बियर वाइन और यहाँ से कोल्ड ड्रिंक, यहाँ पे सैंडविचेस, यहाँ पे कॉफी मिल्क है नीचे, वाइन व्हाइट वाइन रोज वाइन, फिर आती है हाई परसेंटेज बियर ये ब्रिटिश बियर्स, साइडर्स तो आ गए हैं गिरीश के कस्टमर। तो आधे रास्ते में हमें छोड़ के जा रहे हैं सर्व करने के लिए, क्योंकि अगर जब तक गिरीश होता है तब तक मैं उस एरिया में नहीं जाती। अरे बहुत मस्त है जो पैकेजिंग जो के मस्त है, कैफीन ना आवे आमा कैफीन ना होए, आवे आवे कैफीन में, कॉफी में तो कैफीन ज आवे ना गिरीश, चाय करता कॉफी में વધારે कैफीन होए ना होए आमा क्या छे। हां पैकेज के लिए फाइन है, पब मा छे ने हाल को बी एनर्जी का वाला आ रहा है, के ना मोटा एनर्जी वाला छे ना, वो है मुझे ना वो चाले है, पर ये लोग पैकेजिंग चेंज कर दो। ओके पहला बीजा पैकेजिंग मा होता, अभी ठंडी है तो ये पी ले गरम गरम कॉफी, गरम गरम कॉफी चलेगी नहीं शेक करना की, मैं प्रेगनेंसी में कॉफी अवॉइड कर लो पी दी नहीं एव आमा क्या छे केबिन नहीं बस तो भाई कैफीन फ्री कैफी कॉफी कैफी कॉफी बोल रहा हूँ बकरा आ गई तू 10 pound दिया इमेजिन करो दे दिया मस्त है अच्छी रखते हो शॉप अच्छी रखते हो शॉप क्लीन नाइस एंड क्लीन बहुत अच्छी है आपकी शॉप थोड़ी एम्प्टी है क्योंकि अभी वीकेंड गया ना वीकेंड गया इसीलिए थोड़ा खाली हो जाए
अभी भर देगा स्टाफ आएगा भर देगा। तो ऐसी है हमारी शॉप, प्लीज कमेंट में बताइए कि कैसी है। वैसे तो पहले देख ली है सब लोगों ने, पर फिर भी पूरा टूर करवाया है शॉप का। आगे हाँ, वो तो सब जगह पे गिरीश ने ट्राई किया है, सभी जगह पे लिंक डाल दे अंदर। चलो गिरीश बाय, घर पे मिलते हैं। बाय बाय। ओके जी, आज तो है सोमवार का दिन और फर्स्ट डे ऑफ नवरात्रि, तो आज तो कुछ स्पेशल बनाना बनता ही है। तो बहुत सोचा मैंने कथा से भी पूछा तू क्या बनाने वाली है, सबको पूछ लिया कौन क्या बनाने वाला है। फाइनली मैंने ये डिसाइड किया कि छोले भटूरे बनाऊंगी। और ये जो वर्मासेली आती है ना, इसका दूध है आता है स्वीट में, तो वो बच्चों को भी बहुत पसंद है और गिरीश को भी पसंद है, तो सोचा वही बना लूं। अभी से मैं बना दूंगी ना, तो जब तक गिरीश और बच्चे सब लोग आएंगे तब तक थोड़ा ठंडा हो जाएगा, तो उसके बाद इसका टेस्ट ज्यादा अच्छा लगता है। तो ये पहले अभी बना देती हूँ। वहां चने छोले चने के लिए चने भिगोने रख दिए हैं मैंने ऑलरेडी, और यहाँ पे ये भी रख दिया है, इसमें थोड़ा सा घी डालूंगी। उसके बाद ये लास्ट टाइम ना मैंने इसमें बहुत ज्यादा घी डाल दिया था, तो दूध डालने के बाद सारा घी ऊपर आता है, तो इसीलिए अच्छा नहीं लग रहा था बहुत ज्यादा, तो इस बार मैंने अभी थोड़ा कम ही डाला है। उसके बाद अगर जरूरत लगी तो मैं थोड़ा बहुत डालूंगी, अदरवाइज ऐसे ही इसको अच्छे से रोस्ट कर लेना है घी में, और उसके बाद मिल्क डाल लेना है गरम गरम। चलिए तो ये हमारी सेवैया है रेडी, इसमें दो दाने इलायची के डाला है बस, और वो भी हम निकाल सके इसीलिए। और इसमें केसर या कुछ भी मैं डालूंगी ना, तो वो बच्चों को पसंद नहीं आता तो नहीं खाते, तो इसीलिए बस ऐसा प्लेन ही रखा हुआ है। शुगर डाल दी थी बस और थोड़ा उबाला था, तो अभी एक बजा हुआ है और 2-3 घंटे बाद तो ये एकदम से ठीक हो जाएगा। वैसे भी ठीक हो ही गया है, देखो बहुत ठीक हो जाएगा। और वैसे भी ये जो पैकेट है उससे मैं बनाती हूँ, इससे तो आई थिंक ये बोलता है कि उपमा वैसा कुछ बनेगा, पर मैं नहीं बनाती, मैं बनाती हूँ ये, तो इसमें भी ये बहुत ही अच्छा लगता है, मैंने कई बार ट्राई किया है तो इसीलिए मैं यही बनाती हूँ। वैसे मैं ये लाई थी इंडिया से। ये तो फाइनली यहाँ पे ऑयल रख दिया है, क्योंकि आज बनाने वाली हूँ मैं पूरी बच्चों और जो माता जी का थाल धरूंगी ना उसके जितनी बनानी है, बहुत ज़्यादा नहीं बनानी। तो यहाँ पे ऑलरेडी डो है रेडी पूरी का, चलिए अभी बना देते हैं पूरी नए नए इंडिया के मशीन में। चलिए पूरी हो गई है हमारी रेडी यहाँ पे, और टाइम हो गया है बच्चों को लेने जाने का, 3 बज गए हैं, फटाफट से लेके आती हूँ फिर कंटिन्यू करेंगे। चलिए अभी जो है बच्चे बबल बाथ में बैठे हुए हैं, तो बस मैं रेडी कर लेती हूँ जो थाल लगाना है ना माता जी का, तो वो मैंने इसीलिए अब तक आप लोगों को फर्स्ट हैप्पी नवरात्रि इसीलिए नहीं विश किया, क्योंकि मैं वेट कर रही हूँ कि गिरीश आए, उसके बाद हम दोनों साथ में विश करें, क्योंकि सुबह जल्दी ही चले गए थे, बहुत जल्दी थी गिरीश को जाने की। तो अब जब भी आएंगे गिरीश वापस घर पे, तभी मैं अच्छे से विश करूंगी सबको। चलिए सारी रसोई बन गई है, अभी प्लेट रेडी कर देती हूँ मैं। चलो जीजे करो, बेसी जा नीचे, जमना हाथ थी हुई शिव राइट हैंड थी हुई, नीचे बेसी जाओ बेओ आदि, बेसी जा नीचे बेटा, आई डोंट आम जो जीजे कर ले बेटू। हाँ प्रसाद इच्छे अभी जीजे करो बेटा, अब जाओ तो जो शिव बैठो तो नहीं बेसी जा जा चलो। I don't wanna eat this. Balancing on a weary line, too scared.
तो बच्चों ने सारी पूरी खत्म कर दी है, तो मैं फिर से बनाने लग गई हूँ कि गिरीश के लिए नहीं बची, पौने सात हुए हैं, तो अभी फटाफट से गिरीश की जो पूरी बचती है ना वो कर दूँ फटाफट खत्म। उसके बाद बच्चों को सुलाना है और बहुत सारी क्वेरीज है मुझे पता है चनिया चोली के बारे में और बहुत कुछ, तो सब बातें करेंगे। Yes, you did say yes, something. Yes, you did say something. Say it, Everybody's gonna like it. I don't know. This is it. What was that? No, you said. It's the skinny fly. Huh? It was bol raha tha, hello, Mr. Beast. Can you fly now? Then I cover now with Mr. Beast. Mr. Beast millionaire. Oh, then it lo bado cover you. देखो मिलियनर की अभी बात होने लग गई, इतना सा है। टूटी जाए। और ये पूरी बनाने के लिए मुझे ये जो मैं मशीन लाई हूँ ना इंडिया से, इतना कन्वीनियंट है ना, मैं प्रॉपर फुल्ली रेकमेंड करती हूँ जो इंडिया से जाए ना वो लेके आना, इतना जल्दी जल्दी हो जाती है, दो मिनट में ये पूरी की पूरी प्लेट भरती। देखो वॉट, नो यू कांट प्ले विद दैट, मम्मा इज मेकिंग पूरी फॉर डैडी, यू वांट टू हैव सम पूरी। I want to do that, Mama. No, you can't do that. Because I want to do it. Because you want to do it tomorrow, okay? Go. No. Walk. What is this thing called? Show me. It's a bony. Bony? Yeah. Open it. Open it. Let me see. Yeah. open kar de pehla. This? No, this. Now, oopsie! Yay! Wow! Oops! Now I'm rolling it again. Now you rolled it again? Yeah. Okay. ભેગા કઈ ખુશીમાં બધું એટલું? આજે પહેલું નવરાત્રુ છે બા, એટલું બધું મારે જોશે? પહેલી નવરાત્રી છે આજે, એક બાજુ પૂરી એ નવરાત્રી માં દુર્ગા નું, હા આજે તો સરપ્રાઈઝ બેટા, હાઉ ખાલી કીધું તો બનાવવાનો, ઓકે ચણા શાક માતાજી નું છું, તમારું ફેવરેટ વધારે લાગે છે બધું, તો પછી આપણે બે ને સાથે વિશ કરવાનું હતું ને બધાને, એટલે મેં વિશ નહોતું કર્યું અત્યાર સુધી, સો વિશ યુ ઓલ વેરી હેપી નવરાત્રી, હેપી નવરાત્રી કહી દે આદી, હેપી નવરાત્રી, અરે વાહ.